कोई भी बात इस पे बारे में कुछ। तो जिनका पॉजिटिव आ गया वो बहुत अच्छा है, और टेस्टिंग दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको बुलाया गया था, और सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुप्रेंट्स उनको बुलाया गया था, और सब चीफ सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी मंत्री जी सभी अवेलेबल थे। उसमें ये डिसाइड करने के लिए कि अभी तक जो कोविड की स्थिति क्या है पूरे राज्य में, दूसरा उसमें ये हुआ कि जो हमारी जो डिस्चार्ज पॉलिसी है, जो मरीज को हम भर्ती करते हैं, भर्ती करने के बाद डिस्चार्ज करते हैं, उस पॉलिसी पर हमको क्या बात करनी है, जो पॉलिसी चल रही है वही हो या उसके दूसरी हो। दूसरा उन्होंने ये भी पूछा कि भाई अब 30 जून के बाद में धर्मस्थली खोलने की बात हुई थी, इस पर उन्होंने सबके ओपिनियन ली, डॉक्टर्स की ओपिनियन ली कि भाई आप अगर हम धर्मस्थली खोलते हैं तो उसमें भीड़ होगी तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में उन्होंने जाँच की पूछी। दूसरा जो नए टेस्ट आ रहे हैं हमारे, जो रैपिड एंटीजन जो टेस्ट आ रहे हैं, उन टेस्ट के बारे में भी ये सोचा है कि भाई टेस्ट करें, वो अभी उपलब्ध होने वाली है हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटी ना, तो वो ये करते हैं कि हम सभी कॉलेजेस में अलग अलग वो टेस्ट करा के और एक सेंसस बना रहे हैं कि वो एक नया टेस्ट आ रहा है जिसमें केवल आधा घंटा लगता है टेस्ट करने में, उस टेस्ट के लिए भी उन्होंने हमसे बात की है। दूसरा एक हमारे होती है कि सीरो सर्विलेंस, कि पब्लिक में सपोज नॉर्मल पब्लिक में कितने में एंटीबॉडी बनी हुई है कि जिससे कि उनको हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और वो जिसको इन्फेक्शन नहीं हो, इन बिंदुओं को लेके आज करीबन हमारे 2 घंटे वीसी हुई है, और उसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जो पुराने हमारे चिकित्सक से जो रिटायर्ड थे, वीसी थे, इन सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, सरकार ने इनके सभी ओपिनियन सुन ली है, अब इसके ऊपर जो भी सरकार निर्णय करेगी उसके बाद में बता दें। कोई भी बात हम कहें तो ठोस प्रमाण के साथ कहें, और इसमें ऐसा रिकमेंडेड है कि कभी भी वैलिडेशन करते हैं किसी भी चीज इस पे बारे में कुछ। एक्चुअल में जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, भंडारी साहब ने और मैडम ने भी बताया, तो जिनका पॉजिटिव आ गया वो बहुत अच्छा है, और जिनका नेगेटिव आ गया उनका सर हम आरटीपीसीआर के द्वारा पूल टेस्ट कर सकते हैं। सो एक बात, इसकी सेंसिटिविटी एस्टेब्लिश हो, कम्युनिटी टेस्टिंग जहाँ कॉन्टेक्ट के ज्यादा लोग हैं, जहाँ हेल्थ पर्सन है वहाँ पे ऑन द 15-20% अगर नेगेटिव आते हैं तो उनको हम पूलिंग के द्वारा आरटीपीसीआर कर सकते हैं। तो एक बहुत